अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लैब टू टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल सर्कल स्क्वायर एंड ओवल इन पेंट। ठीक है, पेंट में किस तरीके से रेक्टेंगल सर्कल स्क्वायर एंड ओवल को ड्रॉ करवाया जाता है। अच्छा, पेंट में जो है वो हमारे पास ओवल और सर्कल तकरीबन आपको सेम मिलेंगे, उसके अलावा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर भी आपको तकरीबन सेम मिलेंगे। अब इसका शेप का अंदाज़ा किस तरीके से लगाना है, क्योंकि ये अलग अलग हमारे पास शेप्स अवेलेबल नहीं होती पेंट में। इसको बनाने के लिए हमारे पास जो है वो एक ही शेप का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ये शेप्स इधर काफ़ी सारी मेंशंस हैं। ठीक है, ये शेप्स ये नीचे टूल्स के बाद हमारे पास ये शेप्स नीचे हैं। ठीक है, शेप्स में आप बॉक्स जो है ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, बॉक्स सिलेक्ट कर लिए। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रॉ कर लें। अब ये इसको डिफरेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहां पे नेम मेंशन कर दूंगा। डिफरेंशिएट करने के लिए कि मैं किस चीज को ड्रॉ करवा रहा हूं, यहां पे मैं नेम मेंशन कर दूंगा कि मैं इस चीज को ड्रॉ करवा रहा हूं। ठीक है, ये क्या ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगल। ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगल। अच्छा, उसके बाद रेक्टेंगल के बाद हमारे पास है सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ये बिल्कुल बॉक्स के साथ वाला जो ये शेप है ओवल का, ये रहा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से देखें, शेप्स में हमारे पास और अवेलेबल नहीं है यहाँ पे ना, इसी से हमने सर्कल ड्रॉ करना है और इसी से हमने जो है वो ओवल ड्रॉ करना है। अच्छा, उसके बाद यहां पे नीचे लिखते हैं टेक्स्ट कि जो ड्रॉ करवाया है ये सर्कल। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के सेम यही बॉक्स। स्क्वायर में हमारे पास फोर साइड्स इक्वल होती हैं। यहां पे नीचे इसका टेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है ओवल। ये हमारे पास उसके नीचे टेक्स्ट लिखते हैं। ये चारों हमारे पास रेक्टेंगल यानी इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो साइड्स, मतलब रेक्टेंगल में हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद स्क्वायर्स, स्क्वायर में हमारे पास फोर साइड्स इक्वल होती हैं। सर्कल बिल्कुल रेडियस के हिसाब से हर लाइन उसकी यानी हर उसका एंड पॉइंट सेम रेडियस का होगा, लेकिन ओवल में इस तरीके से नहीं है। ओवल में दो पॉइंट्स सेम होंगे बस, यानी सर्कल से थोड़ा सा हट के उसका हर पॉइंट, सिर्फ दो पॉइंट ओवल के सेम होंगे और सर्कल के हमारे पास रेडियस से सारे पॉइंट सेम होते हैं। ठीक है, ये शेप्स हमारे पेट में इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर आपने इसमें
कलर के हिसाब से भी डिस्टिंग्विश करना है तो वो भी हो जाएगा। ये कलर को सिलेक्ट कर ले और जो कलर पसंद है वो रख लें। ये रेक्टेंगल पे है, डार्क रेड हो गया, ठीक है। स्क्वायर में हम सिर्फ रेड कर देते हैं। उसके बाद सर्कल में हमारे पास ब्लू और यहाँ पे हम जो है वो लाइट ब्लू कर, ये कलर्स इस तरीके से जो है वो, यानी कलर्स के लिए मेरे पास कलर का ये ऑप्शन है इधर, ये कलर सेलेक्ट करके मैं अब यहाँ पे अपनी मर्जी के चॉइस के अपने मुताबिक कलर हर शेप्स में फिल कर दी। जज़ाकअल्लाह।